हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग FF शेयर कर रही थी और मेरे को ना एक कमेंट आया था कि आपने ना मतलब जियांगचेन और लैंसीचेन की ही स्टोरी क्यों एक्सप्लेन की है इस वाले पार्ट में। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जियांगचेन और लैंसीचेन की जो स्टोरी है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनकी वजह से ना हमारे लैंसीचेन और विंग के लाइफ में ना कुछ मुसीबतें आने वाली हैं। तो इसी वजह से मैंने उनका मतलब उनके तरफ क्या हो रहा है स्टोरी वही सुनाया। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जियांगचेन था ना, वो लैंसीचेन के सामने आ गया था क्योंकि अंकल उसे डांट रहे थे और पूछ रहे थे कि वो लड़का कौन है, वो अल्फा कौन है। तो इसी वजह से तो हमारा जियांगचेन कहता है कि मैं आपको तो नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन आप जैसे इसे डांट रहे हो ना, ये डर रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, आप बैठकर बात कर लीजिए। तो अंकल ना और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होते हो मुझसे कहने वाले कि मैं मेरे नेफ्यू से कैसे बात करूं, क्या करूं क्या ना करूं, और तुम मेरे नेफ्यू के रूम में क्या कर रहे हो, ऐसा सब पूछते हैं। तो हमारा जियांगचेन कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, बोलता है। ये बात सुनकर ना हमारे अंकल जो है ना, वो ना मतलब गुस्सा और हो गए थे। मतलब उनका दिमाग चल ही नहीं रहा था कि सिचेन ने मैरिज कर लिया और हमें किसी को नहीं बताया, मतलब मुझे नहीं बताया, लैंसीचेन को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि सिचेन ये क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो हमारे सिचेन का ना हाँ कहते हैं, वो भी घबराए हुए थे। तो अंकल कहते हैं कि तुमने किसी से भी शादी कर ली मुझे बिना पूछे, हाँ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हमारा जो जियांगचेन है कहता है कि आप उससे इतना गुस्सा मत कीजिए, आप उससे शांति से बैठकर बात कर लीजिए, क्योंकि वो देख रहा था कि सिचेन डर रहा है करके। तो ना अंकल कहते हैं कि तुम बताओगे कि मैं मेरे नेफ्यू से कैसे बात करूं, क्या करूं, और मैं उससे गुस्सा क्यों नहीं हो सकता, मेरा पूरा हक बनता है, मैं उसका अंकल हूँ। तो हमारे सिचेन का कहते हैं कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इससे ना पसंद करता हूँ, इसी वजह से इससे शादी कर लिया। तो ना अंकल ना गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि सिचेन तुम मुझसे बात मत करना और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, आपसे बोलते हैं और वो ना वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे सिचेन का ना रोने लगते हैं क्योंकि उनके अंकल ही उनके मतलब लाइफ में थे, उनका भाई और अंकल, तो वो रोने लगते हैं। तो हमारा जियांगचेन जो है ना, वो ना सिचेन को संभालने लगता है। तो सिचेन कहते हैं कि मेरे अंकल ने ऐसा क्यों कहा, वो अगर मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं कैसे रहूँगा, मेरी लाइफ में वो और मेरा भाई, तो ऐसा बोल के ना वो बहुत रो रहे थे। और हमारा जो जियांगचेन है ना, उसको समझाने लगता है कि तुम मत रो करके। और हमारे अंकल की तरफ दिखाया जाता है, वो ना मतलब अपने घर पहुंच गए थे और बहुत गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि सिचेन तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसे शादी कैसे कर ली। और उनके दिमाग में चल रहा था कि सिचेन ने ऐसा किया है तो लैंसीचेन भी ऐसा कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, वो मेरा नेफ्यू है, किसी मतलब गलत पर्सन को चुन लिया तो अपने लिए जैसे सिचेन ने चुना है, मैं तो उस पर्सन के बारे में जानता भी नहीं हूँ, और अगर लैंसीचेन भी किसी को ऐसे पसंद करता होगा तो वो ऐसा सोच रहे थे। और इधर हमारे लैंसीचेन और विंग ये दोनों तो बेफिक्र ही थे, मतलब उनको तो पता नहीं था ना घर में क्या चल रहा है और मतलब क्या क्या हो रहा है। तो वो दोनों ना कॉलेज में थे और हमारे लैंसीचेन और विंग ना मतलब एक दूसरे से हर वक्त बात करते थे, मतलब सब बातें शेयर करते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ घूमते थे, और सब लोग ना इन दोनों को देख कर ना ऐसा सोच रहे थे कि ये दोनों कपल हैं। और ये बात सही भी थी क्योंकि हमारा विंग जो है ना, वो ना लैंसीचेन को कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे क्या, तो हमारे लैंसीचेन ने ना हाँ कहा था क्योंकि हमारे लैंसीचेन को भी विंग पसंद आ रहा था, तो उसने हाँ कहा था। तो वो दोनों ना कपल थे। तो ना अंकल ऐसा सोच रहे थे और ना उनके दिमाग में आता है कि अगर लैंसीचेन भी ऐसे छुपा रहा होगा तो वो ना क्या करते हैं कि लैंसीचेन के कॉलेज ही चले जाते हैं, मतलब कॉलेज ही आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि
वो लैंसन को सब जगह ढूंढ रहे होते हैं, तो लैंसन कॉलेज में नहीं मिल रहा होता है। मतलब वो ना गार्डन की तरफ जाते हैं, वो ना कुछ मतलब स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि लैंसन कहाँ है, तो वो लोग बताते हैं कि वो गार्डन एरिया की तरफ है। तो अंकल जाते हैं उस तरफ, तो देखते हैं कि हमारा लैंसन जो है ना वो बैठा हुआ है और उसकी गोद में ना एक अल्फा लेटा हुआ है और वो दोनों ना बात कर रहे थे। और हमारे लैंसन और विंग को तो होश ही नहीं था, मतलब कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब प्यार का बुखार बोलते हैं ना, प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था इन दोनों के दिमाग में। तो ये दोनों ना ऐसे बात कर रहे थे और तभी ना अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि लैंसन तुम क्या कर रहे हो, बोलते हैं। और ये आवाज़ सुनकर ना हमारा लैंसन डर जाता है और वो ना मतलब अंकल की तरफ देखने लगता है और वो दोनों ना खड़े हो जाते हैं। तो अंकल ना लैंसन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि घर चलो, बोलते हैं, और उसको ना घिसते हुए लेकर जा रहे थे। तो हमारा विंग ना लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हमारे अंकल ना गुस्से में थे, तो वो कहते हैं कि ये मेरा नेफ्यू है, इसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लेकर जा सकता हूँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले, बोलते हैं। और ना लैंसन का हाथ छुड़ाते हैं विंग के हाथ से और ना लैंसन को घिसते हुए ना ले जाते हैं। और हमारे विंग को ना टेंशन हो गई थी कि अंकल लैंसन के साथ क्या करेंगे और क्या सब। तो वो ना किसी को कॉल करता है और कहता है कि तुम सुनो मेरी बात, तुम लैंसन के मतलब पीछे रहना और उसके साथ क्या क्या हो रहा है मुझे सब खबर देना, और अंकल उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं मुझे सब बताना, ऐसा सब बोलता है किसी को। तो वो पर्सन ना हाँ कह देता है। अंकल ना लैंसन को ना घर ले आते हैं, तो हमारा लैंसन भी डरा हुआ होता है क्योंकि उसके अंकल ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि अंकल मेरी बात तो सुनिए। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारी क्या बात सुनूँ मैं। तो हमारा लैंसन कहता है कि अंकल मैं उससे प्यार करता हूँ, बोलता है। तो अंकल कहते हैं कि वाह तुम उससे प्यार भी करने लगे हो और मुझे अब बता रहे हो, जब मैंने तुम्हें मतलब उसके साथ देखा है, मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तो ना लैंसन कहता है कि अंकल मैं डर गया था। तो अंकल कहते हैं कि वो कौन है, बोलते हैं। तो हमारा जो लैंसन है बताता है कि वो विंग है करके। तो अंकल मन में सोचते हैं कि इसके बारे में ना सब इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और ऐसा सोच रहे थे। और वो कहते हैं कि लैंसन तुम अपने कमरे में जाओ, बोलते हैं। और ना अंकल मन में सोच रहे थे कि इसको मैं डांटूंगा या फिर कुछ करूंगा, और ये मतलब अल्फा के पास चला गया तो उस अल्फा के पास, और वो ना विंग के बारे में ना सब डिटेल निकालते हैं और उनको पता लगता है कि वो एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है और उसका एक भाई है और मम्मी पापा है, और उसका भाई जो है वो जियांगचेन है, ये भी अंकल को पता लगता है। तो उनके दिमाग में तो और ही मतलब कुछ और ही चलने लगता है कि ये दोनों भाई मिलकर ना मेरे नेफ्यू को फंसा रहे हैं, दोनों नेफ्यू को। एक से तो मतलब जो उस जियांगचेन ने शादी कर ली है और एक को ये मतलब फंसा रहा है विंग, ऐसा सोच रहे थे। और वो ना कहते हैं कि लैंसन की शादी करवानी पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं। और ना किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कल ना तुम लोग ना तैयार होकर आ जाना, कल तुम्हारे और ना लैंसन की मैरिज होने वाली है। और ये इन्फॉर्मेशन ना हमारा लैंसन को नहीं पता था, मतलब वो नहीं जानता था कि कल ही उसकी मैरिज होने वाली है, और घर में ही थी और किसी को बुलाया नहीं गया था, सिर्फ जो अल्फा लैंसन से शादी करेगा वो आएगा और उसकी फैमिली वाले आएंगे और हमारे लैंसन के अंकल और लैंसन होगा और कोई नहीं, मतलब सीचैन को भी नहीं बताया गया था क्योंकि अंकल नाराज़ थे। तो ऐसा होता है। तो हमारे विंग ने तो उसके पीछे ना मतलब लैंसन के पीछे बॉडीगार्ड भेजे थे, तो वो बॉडीगार्ड ना मतलब जो होता है वो विंग को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि अंकल ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं और ये सब। तो ना हमारा विंग ना एक डेविल सा स्माइल करता है और कहता है कि तुम मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करोगे,
और वो ना मतलब बहुत ही डेंजरस लग रहा था। और ना हम कल सुनेंगे कि हमारे मतलब लैंसन की शादी किससे तय की है, और विहिंग क्या उसे रोक पाएगा, और हमारा विहिंग मतलब इतना पावरफुल कैसे है कि लैंसन के पीछे बॉडीगार्ड भेज दिया। और मतलब जियांगचेन और सिचेन की वजह से ही लैंसन और विहिंग के लाइफ में ये सब हुआ है, क्योंकि अंकल को लग रहा है कि जियांगचेन और विहिंग का प्लान है कि इन दोनों भाई को फंसाऊं और उनका पैसा लूट लूं और ऐसा करूं। तो ये सब ही इन दोनों के ही वजह से हुआ था, जियांगचेन और लैंसेचेन की वजह से। आपको अगर ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ना स्माइली भेज देना, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। और आप लोग ना मेरे इस वीडियो पर ना लाइक्स कर दो, मतलब बहुत सारे लाइक्स। मैं आपका कमेंट का भी वेट करूँगी, और आप कितने लोग पसंद करते हो मेरी इस वीडियो को उसका भी वेट करूँगी। ओके बाय।